मैं खास करके जितने भी वेब पोर्टल और यूट्यूब चैनल के साथी हैं उनको न्यूज संकलन करने से बाध्य किया जा रहा है। इसका कारण क्या है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। हालांकि एक नज़रिया देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था में अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए इस प्रकार से YouTube चैनल और वेब पोर्टल को निशाना साधा जा रहा है, क्योंकि आज निर्वाचन आयोग का जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन से अनभिज्ञ होते हुए कोरोना महामारी को दरकिनार करते हुए हर जगह आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। इसी मामले में जब रोसड़ा के हमारे YouTube चैनल और पोर्टल वेब पोर्टल के पत्रकार बंधु गए तो अनुमंडल निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उन लोगों पर फर्जी मुकदमा किया गया। हालांकि उसी रोसड़ा की ही एक घटना है जहां आज 80 दिनों से एक हमारे पत्रकार जो कि घर में ही कैद हैं, इसका कारण है जो उन्होंने शराब के खिलाफ आवाज़ अपनी बुलंद की, जिससे बौखलाया प्रशासन और शराब माफिया की मिलीभगत से उनको बार बार धमकी दी जा रही है, हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, वो बार बार गुहार लगा रहे हैं जो हमें सुरक्षा प्रदान किया जाए, लेकिन किसी प्रकार की सुरक्षा भी मुहैया नहीं कराया जा रहा है। आज 80 दिनों से एक पत्रकार अपने ही घर में कैद हैं, इस समाज में क्या संदेश देना चाह रहे हैं जिला प्रशासन हो या निर्वाचन पदाधिकारी हो, वो लोग संदेश क्या देना चाह रहे हैं? क्या पत्रकार को वो अपने अधीन रख के काम करवाना चाह रहे हैं? क्या पत्रकार का स्वतंत्रता को दमन करने का प्रयास किया जा रहा है? इसमें क्या मामला छुपा हुआ है? आखिर ये किसके इशारे पर खेल हो रहा है ये स्पष्ट अभी नहीं हो पा रहा है। हालांकि इस विषय पर कल्याणपुर विधानसभा के वर्तमान विधायक, निवर्तमान विधायक और पूर्व बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी ने जो वेब पोर्टल और यूट्यूब चैनल पर हमला करते हुए अपने वक्तव्य दिए हैं, उससे साफ लग रहा है जो उन लोगों के अंदर एक डर है। क्योंकि आज जगह जगह निवर्तमान विधायक हो या प्रत्याशी हो जाते हैं तो जनता द्वारा खदेड़ा जा रहा है, वह विकास का पोल खोलने के लिए काफी है। इससे सरकार और प्रशासन, निर्वाचन पदाधिकारी सभी दहशत में है। यदि ये पोल खुल गई, जनता के समक्ष ये मामला चला गया तो उन लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान नजर आ रहा है। मैं भारतीय स्वतंत्र पत्रकार संघ के माध्यम से सभी पदाधिकारियों को आग्रह भी करता हूं और चेतावनी भी देता हूं। हमारे जितने भी बिहार में वेब पोर्टल और यूट्यूब चैनल के पत्रकार बंधु हैं उन्हें निष्पक्षता से काम करने दिया जाए, नहीं तो इस मामले को लेकर हम लोग हाई कोर्ट तक जाएंगे और उन लोगों को हम सबक दिखाएंगे जो हमारी क्या स्वतंत्रता है और क्या आज़ादी है, आखिर वो हमें क्यों बाध्य कर रहे हैं। मैं भारतीय स्वतंत्र पत्रकार संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश कुमार।